रावण के वध के बाद उसकी बहन सुपर्णखा का क्या हुआ और किसने किया था उसके साथ बलात्कार? आखिर सुपर्णखा कहाँ चली गई? आज के वीडियो में हम बताएंगे सुपर्णखा का वो रहस्य जो अभी तक बहुत से लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही इतिहास की नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुपर्णखा के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण लंका के राजा बन गए और शांतिपूर्वक राज्य काज और प्रजा का ध्यान रखने लगे। किंतु रावण की बहन सुपर्णखा अयोध्यापति श्री राम तथा अपने भाई विभीषण से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए उसने लंका को छोड़ दिया और असुर गुरु शुक्राचार्य जी से मिलने के लिए निकल पड़ी। असुर गुरु शुक्राचार्य को लंका से निकाल दिया गया था। शुक्राचार्य का आश्रम समंदर के इस पार भारत में किष्किंधा में था। खरदूषण नामक राक्षस जो कि रावण के ममेरे भाई थे व दंडकारण्य के अधिपति थे, इन सब की मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य असुर विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। सुपर्णखा उनके पास जाकर राक्षस जाति की उन्नति और अयोध्यापति से बदला लेने के लिए कहती है। इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि यहाँ का राजा सुग्रीव और लंका का राजा विभीषण और भारत के समस्त राजा अयोध्यापति श्री राम के अधीन हैं, सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो सकता और ना ही कोई षड्यंत्र कर सकता है। इसीलिए पूर्व दिशा में समंदर के उस पार जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, वहाँ अभी भी लोग कबीलों में रहते हैं और कच्चा मांस खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ चलकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। सुपर्णखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के कहे जाने वाले सऊदी अरब देश पहुंच जाते हैं। वहां के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस फल आदि खाते थे, जिसके कारण सभी आपस में मारपीट भी किया करते थे, जिसके दो कारण हुआ करते थे। पहला खाना अर्थात शिकार और अपना इलाका, दूसरा स्त्री। उनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं हुआ करती थी, बल्कि ताकतवर इंसान ही उसे संभोग किया करता था। कबीले की सभी स्त्रियाँ पहले सरदार की स्त्री, उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहली स्त्री किसी दूसरे अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य जी की प्रतिज्ञा को तो सभी जानते हैं, वह अंधेरे यानी कि पाप को बढ़ाने का काम करते हैं, वह सदैव पापियों के मददगार रहे। फिर सुपर्णखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन थी, तो फिर भला शुक्राचार्य उसकी बात क्यों नहीं मानते? सुपर्णखा की नाक कटी हुई थी, इसीलिए वह हमेशा अपना मुंह ढक कर रखती। हालांकि वह सुंदर भी थी और माया भी जानती, जिसके द्वारा कोई भी रूप धारण कर सकती थी। कुछ समय पहले वहां पर सैकड़ों कबीले थे, मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते थे और उनके सिर्फ दो काम थे, भूख लगे तो मार कर कच्चा ही खा जाओ और स्त्री दिखे तो आलिंगन करो। सुपर्णखा के साथ में शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव के प्रतिरूप शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया। थोड़े दिनों में वहां से सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया आदम नाम का एक हष्टपुष्ट शरीर का मालिक व्यक्ति था। वह व्यक्ति शेर, हाथी, घोड़े, बाघ आदि किसी भी जानवर से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी कि वह पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसे पा नहीं लेता
तब तक वह बराबर प्रयास करता रहता था। राक्षसों ने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है और उनके पास एक सुंदर स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रखा है पास में बैठी है। सभी कबीले के लोगों ने मन में सोचा कि अगर यह स्त्री मुखिया को मिल जाए तो इस स्त्री का भोग हम सबको मिल सकता है। यही सोचकर राक्षसों ने सूर्पणखा का अपहरण करके अपने मुखिया के पास पहुंचा दिया। मुखिया आदम ने सूर्पणखा से संभोग की इच्छा जताई। सूर्पणखा ने सभी को माया से मोहित कर रखा था। वह जानती थी कि ताकतवर व्यक्ति को कैसे फंसाया जा सकता है और शुक्राचार्य से अनुमति देने की बात की। शुक्राचार्य जी ने विवाह की अनुमति दे दी और साथ ही मुखिया आदम से दो शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि वह उसके विवाह के पश्चात उसके दुश्मन अयोध्यापति श्री राम, किष्किंधापति सुग्रीव, अंगद और हनुमान को मारकर उसका बदला लेना होगा। दूसरी शर्त थी कि अगर सूर्पणखा को आदम की अन्य पत्नियों के कारण उसे अलग होना पड़ा तो लंका, किष्किंधा सहित अयोध्या की समस्त संपत्ति और राज्य सूर्पणखा को देना होगा। यह वचन लेने के बाद सूर्पणखा और आदम दोनों का कबीले के रस्मों रिवाज से विवाह हुआ। जब विवाह के बाद आदम ने अपनी पत्नी का घूंघट हटाया और उसकी नाक कटी हुई देखी तो आदम 10 कदम पीछे हट गया। और जब सूर्पणखा ने रो रो कर अपनी कहानी बताई तो सूर्पणखा के प्रति आदम को सहानुभूति हो गई। इसके बाद उसने भी श्री राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर डाली। लेकिन आदम ने अपनी पत्नी सूर्पणखा का भेद किसी को नहीं बताया कि उसकी नाक कटी हुई है। अगर यह बात सबके सामने आ जाती तो लोगों में उसकी बदनामी होती, इसीलिए उसने पत्नी को हवाया नाम दिया और सबको बताया कि मेरे अतिरिक्त जो भी हवाया का चेहरा देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह हवा उड़ाने में शुक्राचार्य जी का पूरा हाथ रहा। इस तरह से हजारों सालों से कई संप्रदाय निकलते रहे, वह सारे आदम और हवाया से उत्पन्न हुए हैं। कालांतर में इन्हीं आदम और हवाया से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम आदि संप्रदायों का जन्म हुआ। इन लोगों ने भी आदम आदि मानव और कबीले वालों की सीख यानी कि परंपरा मानी और अब तक वही परंपरा अपनाते आ रहे हैं। जैसे कि स्त्रियां हवाया यानी कि सूर्पणखा के जैसे अपने मुख पर हिजाब जरूर पहनती हैं, आज भी इनका विवाह एक तरफा यानी कि एक समझौता ही होता है। आज भी उनके विवाह में सशस्त्र मंजूरी होती है। एक दूसरे को शर्त सुनाते हुए महर यानी कि स्त्री को दी जाने वाली रकम का जिक्र करते हुए रजामंदी ली जाती है। अगर किसी कारण विवाह विच्छेद होता है तो पुरुष सारी रकम स्त्री को अदा करता है। तो इस तरह से सूर्पणखा रावण की मृत्यु के बाद अरब देशों में चली गई और आदम नामक व्यक्ति जो कई कबीलों का सरदार था, सूर्पणखा उससे शर्त के अनुसार संबंध बनाने के लिए राजी हो गई। नाक कटी है या छुपाने के लिए कपड़ा यानी कि हिजाब डालने की परंपरा शुरू की है। अगर ध्यान दें तो यह सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का सूर्पणखा के वंशज होने वाली बात सत्य हो सकती है, इसीलिए मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का जाना वर्जित है और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सूर्पणखा के वंशज राक्षस कौन है। भले ही यह सारी बातें आपको हैरान कर रही हों, लेकिन यह सच भी हो सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर एक व्यक्ति सनातन धर्म से संबंध रखता है।